Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं CA डॉक्टर राज चावला प्रेजेंटली आई एम द सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मुझे आज लगता है कि शायद वो स्ट्रगल मेरे लाइफ में बहुत काम आया। हमेशा अभाव का प्रभाव होता है। जिस बंदे ने कष्ट नहीं देखे हो ना तो उसको लाइफ का आनंद नहीं आता। माँ का संस्कार तो सबसे बड़ा संस्कार है। सारे स्कूल फेल हैं जहाँ पे माँ होती है, क्योंकि माँ ही है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखाती है। बेसिकली आई बिलोंग्स टू ए विलेज इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, विलेज बिलासपुर। सो आई कंप्लीटेड माई बेसिक एजुकेशन अप टू 8th ऑफ क्लास इन विलेज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 9th क्लास टू अप टू ग्रेजुएशन आई डिड बीकॉम ऑनर्स इन द ईयर 1987 फ्रॉम SD कॉलेज मुजफ्फरनगर। पार्टीशन के समय पाकिस्तान से माइग्रेट होके यहाँ पे आया था, तो सब लोग जानते हैं कि पार्टीशन पे सब लोग खाली हाथ आए थे, तो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। हमारे पिताजी गाँव में साइकिल पे कपड़ा लेके फेंचा बोलते थे वहाँ पे, वो गांव-गांव में जाके कपड़ा बेचते थे। उस ज़माने में जब 87 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट डिवीज़न, बहुत बड़ी बात होती थी फर्स्ट डिवीज़न बीकॉम में लाना, तो चूँकि हमारे परिवार में कोई और ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था नहीं, आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने ग्रेजुएशन किया हो। आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु कम्प्लीटेड दिस ग्रेजुएशन। हमारे यहाँ तो बस हाई स्कूल और इंटर तक ही सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते थे, तो बड़ी प्रभु की आशीर्वाद था कि मेरे को उस समय ग्रेजुएशन हुई। तो इस तरह से हमारी जो बेसिक एजुकेशन थी वो बड़ी स्ट्रगलिंग टाइम था, लेकिन मुझे आज लगता है कि शायद वो स्ट्रगल मेरे लाइफ में बहुत काम आया। अगर मैंने वो स्ट्रगल ना किया होता, होता क्या है कि हमेशा अभाव का प्रभाव होता है। जिस बंदे ने कष्ट नहीं देखे हो ना तो उसको लाइफ का आनंद नहीं आता। माँ का संस्कार तो सबसे बड़ा संस्कार है। सारे स्कूल फेल हैं जहाँ पे माँ होती है, क्योंकि माँ ही है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखाती है। मैं चूँकि परिवार में सबसे छोटा था, मेरी बहन सबसे बड़ी थी, तो उनकी शादी हो गई तो मैं सबसे छोटा होने के नाते मम्मी के साथ साथ ही घूमता था, तो उसने मुझे सबसे बड़ा तो ये सिखाया कि मैं घर के सारे काम करता हूँ, मेरी बीवी बहुत खुश रहती है। सबसे बड़ी हमारी बहन श्रीमती वीना राजपाल जी हैं, वो सहारनपुर में मैरिड हैं और जीजा जी का कपड़े का काम है। अलावा हम टोटल 5 भाई हैं। सबसे बड़े भैया की हमारे डेथ हो गई है, श्री रविंद्र चावला जी की, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अभी हम 4 भाई हैं। सब उनसे छोटे हैं नरेंद्र चावला जी, उनकी वहाँ पे कन्फेक्शनरी की शॉप है मुजफ्फरनगर में। उससे छोटे सुरेंद्र चावला जी हैं, उनका कपड़े का और टेलरिंग का काम है मुजफ्फरनगर। उससे छोटे राकेश चावला जी हैं, उनका ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। और सबसे छोटा मैं हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में अपनी CA की प्रैक्टिस करता हूँ। भाई बहनों में बहुत प्यार है हमारी, तो क्योंकि बड़ी बहन जो है वो माँ का रूप ही है अब हमारे लिए, और बहुत प्यार करती है सब भाई बहन, मतलब बहुत प्यार होता है गाँव में। तो पहले तो बहुत ही, क्योंकि भाइयों के साथ ही मिलजुल के खेलना कूदना, तो सब वो मेमोरीज रहती हैं लाइफ में। सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी बीवी मुझसे रही। आप विश्वास कीजिए, मैंने May 1992 अटैम्प्ट में CA पास किया और January 1994 में मेरी एंगेजमेंट हुई और December 1994 में मेरी शादी हुई। मैं एक आपको ग्राफ बताता हूँ, चूँकि वो हरिद्वार से हैं और वो भी कनखल से, भगवान शिव की नगरी से हैं, वो इतनी पॉजिटिव हैं। और जब से वो मेरे से सगाई हुई है ना,
मेरे पास पहले एक पुराना सा स्कूटर होता था, सगाई होने के बाद मेरे पास नया स्कूटर आया। नया स्कूटर आने जैसे ही शादी हो के चुकी तो हमारे पास मारुति कार आ गई। जैसे ही एक साल बाद नवंबर 95 में बेटा हुआ, मारुति एस्टीम कार आ गई। और दो साल बाद दिसंबर 97 में बिटिया हुई तो मित्सुबिशी लेंसर आ गई। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे बच्चे और जो मेरी पत्नी है वो सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, मैं तो उनके भाग्य का ही खाता हूँ। इंस्पिरेशन मेरी पत्नी है। जीवन में जितना आप अपने कष्टों को फेस करेंगे उतना ही वो कष्ट छोटा होता चला जाएगा और आप बड़े होते जाएंगे। तो एक भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी मैंने सुनी है, बहुत छोटी सी है, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ के साथ वन यात्रा पे आगे जा रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह जंगल पड़ता है तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि एक भाई सोएगा और एक भाई जागेगा। तो पहले कृष्ण जी छोटे होते हैं तो दाऊ उनको सुला देते हैं कि तुम सो जाओ और मैं जाग रहा हूँ। तो जैसे ही कृष्ण जी सोते हैं और दाऊ जाग रहे होते हैं तभी एक मोनेस्टर आता है और वो दाऊ उससे देख के डरते हैं। जैसे जैसे दाऊ डरते हैं वैसे वैसे वो मोनेस्टर बड़ा होता जाता है। एक टाइम ये आता है कि वो कृष्ण भगवान को जगा देते हैं। वो जानते थे कि मेरा भाई जो है बड़ा कलाकार इंसान है। वो जैसे ही जागते हैं वो जो मोनेस्टर होता है वो गायब हो जाता है। तो दाऊ उसे कुछ नहीं बताते और वो दाऊ सो जाते हैं। अब कृष्ण भगवान जाग जाते हैं और पहरा देते हैं। अब दाऊ सो रहे हैं, फिर मोनेस्टर आता है। जैसे ही मोनेस्टर आता है तो भगवान श्री कृष्ण बड़े बल के साथ उसको कहते हैं, हु आर यू, इंट्रोड्यूस मी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसको ये बोलते हैं वो छोटा होता जाता है और भगवान श्री कृष्ण बड़े होते जाते हैं। सुबह होती है, दोनों भाई अपने रास्ते पे आगे चल देते हैं। जब आगे जाते हैं तो तब दाऊ उनको बताते हैं कि यार मैंने तुम्हें बताया नहीं कि रात को ऐसे ऐसे एक कोई भूत प्रेत आया था, लेकिन मैंने आपको बोले ये था। वो अपनी जो धोती लुंगी पहनी होती है उसमें से उसको निकाल के दिखाते, बोले ये था। बोले हाँ यही था। तो उसमें उन्होंने क्या संकेत हमें दिया है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जितना फेस करेंगे वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, आप बड़े हो जाएंगे। और जितना उस प्रॉब्लम से आप डरेंगे वो बड़ी हो जाएगी, आप छोटे हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में हमें यही दिया शिक्षा कि आप जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, फेस व्हाट यू मस्ट फेस, जो आपको फेस करना है उसको फेस कीजिए, डरिए मत। मैं भी बचपन में, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, तो जितना मैं डरता था उतना मैथ बड़ा होता जाता। तो मैंने 10th क्लास में मैथ छोड़ दिया था। जब मैंने सीए की तो मैं कोटला मुबारकपुर में एक शेखर साहब होते थे आंध्रा के, मैं उनसे मैथ पढ़ने ही जाता था, मुझे मैथ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने वो पोजीशन कर दिया, आप विश्वास कीजिए, ऑन द रिकॉर्ड है कि मेरे 50 में से 48 नंबर आ गए थे मैथ में सीए में, क्योंकि मैंने फिर उसको पूरे दम के साथ किया। बहुत शौक है मुझे फिल्मों का। तो मेरे पिताजी ना मेरी पिटाई किया करते थे फिल्म देखने के ऊपर तो वो कहते थे कि फिल्म नहीं देखना, लेकिन मैं फिल्म को हमेशा ना किक समझता हूँ, मोटिवेशनल समझता था। मैंने मूवी देखी थी दोस्ती, बड़ी पुराने टाइम की, दो दोस्तों की मूवी होती है, एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है। और वो जो लंगड़ा है वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई करता है और टॉप करता है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल मूवी थी। एक मूवी ऐसी होती थी जागृति, उसमें भी ऐसे ही एक नालायक बच्चा होता है, उसके दादाजी उसको हॉस्टल में भेज देते हैं, उसका भी एक फ्रेंड वहाँ पे लंगड़ा हैंडीकैप होता है, वो दोस्त होता है। तो ये मूवीज़ जो है ना मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाई। यही पढ़ने का मतलब, सोशल सर्विस का बहुत शौक है, लगता है कि अपने काम पे लगे रहो, लोगों की सेवा करो। कल भी संडे था तो भी मुझे इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया कि आज क्लास चल रही है यहाँ विश्वास नगर में। फिर मैं घर से तैयार होकर गया, 2 घंटे उन बच्चों को मोटिवेशनल वो दिया स्पीच, फिर घर आया। तो अच्छा लगता है। बहुत ट्रैवल किया, बहुत शौक है। मैंने इवन हमारे बच्चों के साथ मैंने पूरा इनको यूएस की 9 स्टेट, क्योंकि मैं लायंस क्लब में भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हमारे लायंस क्लब की इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई 2007 में शिकागो में, तो मैं वहाँ लेके गया। हालांकि मेरी कैपेसिटी उतना पैसा खर्च करने की नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नहीं, ये बहुत ज़रूरी। ये ट्रैवलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी एजुकेशन है। जितना आदमी दूसरे जगहों पे जाता है, ट्रैवल करता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। तो मैंने अपने परिवार के साथ यूरोप के काफ़ी कंट्री, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, इधर सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह कोशिश की है। और अब तो मुझे इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म मिला तो खूब घूमता हूँ। जब भी कहीं अपॉर्चुनिटी होती है तो सबसे पहले मैं रेडी रहता हूँ कि सर मैं जाऊँगा।
मेरी शादी 10 दिसंबर 94 को हुई। मेरी पत्नी का नाम सीएम में रजनी चावला है, शी इज़ आल्सो कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और उनकी अपनी प्रैक्टिस है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, शायद मैं नहीं हूँ उतना अच्छा, मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सा इंसान हूँ, लेकिन वो बहुत इमोशनल और बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना एक सच्ची इंसान है, और उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। नेचुरली स्पाउस का तो बहुत बड़ा रोल होता है, अगर मैं खुश हूँ और आज आगे बढ़ रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत बढ़ रहा हूँ। मेरा बेटा है, उसका जन्म 21 नवंबर 95 को हुआ, रजत चावला। उसने पहले BBA किया अमेठी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसने MBA किया मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से। अब वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एक कंपनी चला रहा है। छोटी मेरी बेटी है, वो भी 5 दिसंबर 1997 बोर्न है, और CA फाइनल में एक ही ग्रुप उसका रहता है, तो इस बार वो एग्ज़ाम देगी, श्रेया चावला। सबसे बड़ा हम तो सबको यही कहते हैं कि भाई पॉजिटिव रहो, जो भी है, जो एक हमारे पिताजी कहा करते थे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जैसे रामायण में भी एक चौपाई आई है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यानी कि जो है ना उसमें संतुष्ट रहिए, कभी अभाव के प्रभाव में नहीं जाना। होता क्या है इंसान पे, जो है वो उसको नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, लेकिन हम उल्टे हैं, हम कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमें चाहिए ही उतना था। तो ईश्वर जो जिस हाल में हम रखता है हम बहुत खुश रहते हैं, यही कारण है कि हम बड़े संतुष्ट हैं, और संतुष्टि ही सबसे बड़ी जो है दौलत है मैं समझता हूँ। पूर्ण 100%। मुझे तो कभी कोई कष्ट आता है, कोई किसी तरह की जीवन है आते ही हैं, तो मैं तो अपने जो इष्ट देवता हनुमान जी हैं विराजमान रहते हैं, हमेशा मेरे सिर पर बैठे रहते हैं, मैं तो इनको ही प्रत्यक्ष रूप से इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, और वो कष्ट पता नहीं कहाँ चला जाता है। वैसे मैं अपनी तरफ से भी कोई कोशिश करता हूँ कि कोई गलत काम कभी नहीं करता, फिर भी कभी कोई जाने अनजाने कुछ हो जाए तो ये है। देखिए जब मैं 2012 से 15 के टेन्योर में नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का मेंबर बना, तो मैंने देखा बहुत स्ट्रेस था। उसी बीच मैं एक बार संजीवनी इंडिया .org एक आश्रम है यहाँ पे गोहाना में सोनीपत में, वहाँ पे जो हमारे योगा टीचर थे वो मुझे कहते हैं राजी आपका स्ट्रेस लेवल एक चीज़ से दूर हो सकता है, उसका नाम है विपासना। तो फिर मैंने उनसे गाइडेंस ली कि मैं कहाँ जाऊँ, तो बोले जहाँ भी, क्योंकि जून का महीना था, तो बोले तुम देहरादून चले जाओ। तो पहले मैं 2013 में देहरादून गया, वहाँ वन के अंदर जो है सेंटर बना हुआ था, और वहाँ पे हमें 10 दिन बिल्कुल साइलेंट पे रहना था। और विपासना से मैंने पाया कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस वो बहुत जागृत हो जाता है, मेरी सारी कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग विपासना करें और अपने मन की शांति और अपने जो विचार हैं, जो विकार हैं, उनको नष्ट कर सकें। मैंने May 1992 में CA पास किया, उसके बाद मैं जॉब ट्राई की, पहले कोशिश की कि जॉब करूं, तो पहले मैंने अपने जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की थी लक्ष्मी नगर में RK मेशू एंड कंपनी, वहाँ पे ही जॉब की। तब 3,000 रुपये क्वालिफाइड CA को मिलते थे, लेकिन वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कहीं कॉरपोरेट में करूँ, लेकिन कॉरपोरेट में कहीं कोई मुझे अच्छी जॉब मिली नहीं। तो फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप ना अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लो तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो फिर मैंने 92 से ही अपनी CA की प्रैक्टिस शुरू की, और आज 30 साल प्लस हो गए। तो राज चावला एंड एसोसिएट हमारी फर्म का नाम था, अब थोड़ा सा हमने उसमें क्योंकि मर्जर वगैरह कर रहे हैं और पार्टनर्स को जोड़ दिया, और अब टाइम चेंज हो रहा है, तो हमने उसको RCA एंड कंपनी LLP बना दिया, ताकि LLP होने के नाते एक तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं, और एक अब नया टाइम चल रहा है, तो हमने राज चावला एसोसिएट की शॉर्ट फॉर्म RCA एंड कंपनी LLP बना के और ये बना दी। मैं पिछले 10 साल पहले लगभग 2012-13 में रोटरी क्लब से जुड़ा, क्योंकि मुझे सोशल सर्विस का बहुत शौक़ था, तो मैंने देखा कि रोटरी क्लब वाले काफ़ी अच्छा सोशल सर्विस करते हैं, पोलियो के प्रोग्राम चलाते हैं, ब्लड डोनेशन चलाते हैं, ट्री प्लांटेशन चलाते हैं, तो मैंने भी उसमें जुड़ा और काफ़ी सेवा की। मुझे मौका भी मिला, सन 2018-19 में मैं रोटरी क्लब दिल्ली विवेक का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और हमने उसमें बहुत एक्टिविटी की, तो इस तरह के हमने काफ़ी कार्यक्रम उसमें रोटरी के थ्रू किए हैं। जब मैं 2015-16 में चेयरमैन बना, तो मुझे लगा कि मेरे को, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम
15-16 में, तो मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से चाइना हांगकांग में एक एजुकेशनल टूर ले जाने की परमिशन मिली और वो हमने बहुत सक्सेसफुल किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो सबसे अच्छा काम है, क्योंकि लोगों को किताबों से ज़्यादा जो घूमने फिरने के साथ जो एजुकेशन मिलती है, जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है, तो मुझे लगा कि ये क्यों ना हम इसको टूर के साथ एजुकेशनल टूर का रूप दे दें। मान लीजिए हम दुबई जाते हैं और हमारे साथ हमारे सीए और स्टूडेंट्स जाते हैं, दुबई में भी हमारे सीए इंस्टीट्यूट का चैप्टर है, तो हम उन लोगों के साथ कोलोब्रेशन करके वहाँ पे जॉइंट सेमिनार कराते हैं, और हम अपने इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टूडेंट जाते हैं उनको वहाँ जाके ये चीज़ की एजुकेशन देते हैं कि हाउ वी कैन सेटल डाउन इन दुबई, हाउ वी कैन एक्सप्लोर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दुबई, हाउ वी कैन गेट द जॉब इन दुबई। तो इस तरह से जैसे हम भूटान ले गए, बाली ले गए, इंडोनेशिया ले गए, तो इस तरह से हम अलग अलग इंडिया में कसौली ले जाते हैं, गोवा ले गए, केरल ले गए, तो जहाँ पे भी लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम उसको एजुकेशनल टूर के रूप में ले जाते हैं। वहाँ पे हम इनकम टैक्स जीएसटी की तो बात करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई आदमी बिजनेस सेटअप करना चाहता है, सेटल डाउन होना चाहता है, कैसे हो सकता है, तो इस तरह की हम एजुकेशनल टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एकल विद्यालय जो कि भारत लोक शिक्षा परिषद के अंतर्गत भारत के अंदर लगभग 1,00,000 से ज़्यादा स्कूलों में इनकी शिक्षा चलती है, इसके लिए हम किसी को भी प्रेरित करके उनसे साल के 22,000 रुपये लेते हैं, 22,000 रुपये में एक स्कूल चलता है। तो जब मुझे ये पता लगा, क्योंकि मुझे खुद एजुकेशन से बहुत जुड़ाव है, हमारे एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शेयर ब्रोकर भी हैं, श्री सुभाष अग्रवाल जी SMC ग्लोबल के जो मालिक हैं, CA भाई होने के नाते उनके टच में आया, उन्होंने मुझे एकल से जोड़ा और आज मुझे उन्होंने चेयरमैन बना दिया है कॉरपोरेट CSR कमेटी का। तो मैं जितने भी कॉरपोरेट हैं वहाँ से CSR फंड लाता हूँ और यहाँ पे एकल की सेवा में लगा हुआ हूँ। और एकल में हम लोग वन यात्राएं करते हैं, जहाँ छोटे छोटे गाँवों में, पहाड़ों में, वनवासी क्षेत्रों में, कश्मीर में, हिमाचल में, बिहार झारखंड में, जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे एकल पहुँचा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जहाँ हम एजुकेशन नहीं दे सकते, जहाँ पे बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता, हम बच्चे के पास जा सकते हैं। तो एकल विद्यालय ये काम कर रहा है कि जो बच्चे जहाँ पे सरकारी स्कूल है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एकल उन गाँवों में जाके उन बच्चों को शिक्षित कर रहा है, और देश की इससे बहुत तरक्की हो रही है और वो बच्चे अब आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको पुशअप मिल रहा है इस एकल विद्यालय से। मैं हर साल जनवरी फरवरी के महीने में कोशिश करता हूँ अपने गाँव में जाने की, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जन्म हुआ है मेरा, प्लस जहाँ पे मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली है, और कोशिश रहती है वहाँ पे हर साल उस स्कूल में एक फंक्शन करने की। हमारे स्कूल में कई बार होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सारी सुविधाएँ सरकार से नहीं मिल पाती, सिस्टम है वहाँ पर, तो स्कूल से मैं रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ, उनको किसी भी चीज़ की जरूरत है, बच्चों के लिए टेबल है, चेयर है, कभी ब्लैक बोर्ड है, कभी जैसे हम अपनी लड़कियों के लिए वहाँ पे सिलाई मशीन लगा के, ताकि हम उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकें, और इस तरह से एक एनुअल फंक्शन मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। और जैसे इस साल तो हमारे बच्चे बोले कि जी हमें हरिद्वार एक टूर करा दीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक एजुकेशन है। तो मैं इस तरह से हर साल एक प्रोग्राम अपने गाँव के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिस स्कूल में मैं खुद पढ़ा हूँ, ये मैं करता हूँ। मैं तो देश को कि हम इतने अच्छे भारत में जन्म हुआ है, अभी मैं सुबह भी पार्क जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार बड़ी ठंड हो रही है, मैंने कहा यार जब हमारे यहाँ गर्मी होती है हम तब कहते हैं कि हमें बर्फ़ में जाना है, जब हमारे यहाँ भगवान हमें घर बैठे ठंड दे रहा है तब हम कहते हैं हमें गर्मी में जाना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं कहता हूँ हम तो बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें यहाँ पर घर बैठे ही हमें सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, बारिश भी मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो है ना उसमें खुश रहो और अपनी तरफ से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मैंने अभी लेटेस्ट मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग, उससे मैंने बड़ी एक मोटिवेशनल चीज़ सीखी। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो उसमें बाद में दो लाइनें आती हैं जो मिल्खा सिंह जी ने अपने साइन भी किए हैं उस पर, वो कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू टच द स्काई देन यू मस्ट हैव दीज थ्री थिंग्स इन योर लाइफ। वो क्या है? हार्डवर्क, विल पावर और डेडिकेशन। देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क तो हमें करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी सफलता लेनी है, विल पावर भी होनी चाहिए और डेडिकेशन भी होना चाहिए अपने काम के प्रति। जब वो होगा तो नेचुरली आपका जो है
जैसे कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमें सब्जियां काटने में हार्डवर्क लगता है, विल पावर भी होती है, डेडिकेशन भी होती है, तो जब वो खाना बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपके चैनल के लिए, आपने इतना समय निकाला और शायद इस चीज़ से, मतलब मेरे जो और दोस्त हैं जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो चीज़ क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेट होता ही है। मैंने उस टाइम पे दोस्ती मूवी देख के और मोटिवेशन देखा कि कोई आदमी स्ट्रीट लाइट में पढ़ के और उसका अखबार में नाम छपा। जागृति मूवी में भी जो नालायक बच्चा था वो एक अच्छे दोस्त की संगत में आके एक बहुत टॉपर बच्चा बना। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग अच्छाई की तरफ रहें, क्योंकि हमेशा जीत अच्छाई की ही होनी है, सत्य में जयते ही रहना है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel